सीक्वेंस में ये हो रहा है कि फाइनली नमन और सुनैना अपने हनीमून के लिए आ गए हैं। जैसे सुनैना किसी भी तरीके से बचना चाह रही है क्योंकि उसे अपनी सच्चाई पता है और वो चाह रही है कि नमन जी को भी बता दे, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कहीं ना कहीं नमन जी का प्यार देखकर, और ख़ुद भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है तो बहुत ही मुश्किल हालात में कहीं ना कहीं चाहती है कि ये मोमेंट कभी ख़त्म ना हो क्योंकि इतना प्यारा मोमेंट है, फाइनली अपने सपनों का राजकुमार मिल गया, पर कहीं ना कहीं ये भी जानती है कि उसके लायक नहीं है। दुख नहीं होगा यार किसी की भी ज़िंदगी उजड़ जाएगी कि जिसको जो सोचकर शादी करी थी वो इंसान वो नहीं है, तो काफ़ी मुश्किल होने वाला है नमन जी के लिए और सुनैना के लिए भी, बिकॉज एक दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और प्यार सोचकर तो नहीं होता। तो लेट्स सी अब नमन क्या रिएक्ट करेगा। आगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। पंकजा को सच्चाई पता है, वो कुछ ना कुछ करेगी, शांत तो नहीं बैठेगी। सुनैना भी मौका ढूंढ रही है नमन जी को बताने का, पर बताने वाली ही होती है कि उसके पहले कुछ इतना बड़ा घट जाएगा जो आप सबको देखने में बहुत मज़ा आएगा। तो कीप वॉचिंग आई ना 6:30 बजे ओनली ऑन दंगल TV। थैंक यू। चलो सर, ये वाले नीचे रख लेंगे। हां रख पहले, ये ये देखो रमन जी, रोल